हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इन्फिनिक्स स्मार्ट 7, इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 प्लस या फिर इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 HD को फैक्ट्री रिसेट कैसे कर सकते हैं या फिर फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। पर उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम अपने फ़ोन को फॉर्मेट करते ही क्यों हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये है मेरे पास इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 HD, सॉरी इन्फिनिक्स स्मार्ट 7। यहाँ पर आप इसका मॉडल भी देख सकते हैं, इन्फिनिक्स स्मार्ट 7, और इसका यहाँ पर मॉडल इन्फिनिक्स X6517। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप कैसे अपने इन्फिनिक्स स्मार्ट 7, इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 HD या फिर इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 प्लस को फैक्ट्री रिसेट कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमें फ़ोन को फॉर्मेट करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका फ़ोन स्लो चल रहा है, आपका फ़ोन हैंग कर रहा है, या फिर आपका फ़ोन थोड़े बहुत अनवांटेड ऐप्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जा रहे हैं, अपने आप हो जा रहे हैं, और आपके फ़ोन में कभी कभी और भी सॉफ्टवेयर की दिक्कत आ जाती है, तो उसको सही करने के लिए हम अपने फ़ोन को फैक्ट्री रिसेट कर देते हैं या फिर फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इन्फिनिक्स के काफ़ी सारे फ़ोनों को सेम इसी मेथड से फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं या फिर फॉर्मेट कर सकते हैं, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो रिसेट कैसे मारें अपने इन्फिनिक्स के फ़ोन को, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा। तो सिंपली यहाँ पर देखिए, आपको सिंपली कहीं पर भी जाना है। आपको मान लीजिए ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से चले जाना है सेटिंग में। आपको किसी तरीके से अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है। कैसे जाना मैं आपको दिखाता हूँ। सेटिंग में चले गए आप, ठीक है, सेटिंग में चले गए। अब आपको सिंपली स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, आपको सर्च करना है सिस्टम। सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जा रहा है, सिस्टम, ठीक है। अब आप सिस्टम में जा चुके हैं दोस्त, उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए रीसेट फ़ोन। मैंने आपसे पहले ही बताया कि रीसेट कैसे करें या फिर अपने फ़ोन को रीसेट कैसे मारें इन्फिनिक्स के किसी भी फ़ोन को, ऑलमोस्ट इसी तरीके से फैक्ट्री रीसेट या फिर रीसेट ऐसे मार सकते हैं आप। तो सिंपली यहाँ पर रीसेट पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे। तीन ऑप्शन में से समझना क्या है, रीसेट वाईफाई। अगर आप रीसेट वाईफाई कर देते हैं तो आप जितने भी वाईफाई से कनेक्टेड होंगे उसका ऑटोमेटिकली वो रीसेट हो जाएगा। दूसरा, ऐप प्रेफरेंसेस, ठीक है दोस्तों, आपके ऐप में कुछ चेंजेस हुआ होगा तो इससे आप रीसेट कर देंगे तो आपके ऐप के जो चेंजेस होंगे वो ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। अब बात आती है इरेज ऑल डेटा। ध्यान रहे, इस मेथड से आपके फ़ोन का जो भी डेटा होगा, जस्ट लाइक फ़ोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट, ऐप्स एक्सेट्रा, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा या फिर कहें कि रीसेट हो जाएगा। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें कि या तो आप अपने फ़ोन का डाटा जो है वो पहले से बैकअप बना लें, और या तो आप डायरेक्टली फ़ोन को इरेज कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें हमारा फ़ोन मान लीजिए किसी ने हैक भी कर लिया है, तो इस केस में भी हमें अपने फ़ोन को रिसेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए इरेज ऑल डेटा पे क्लिक कर देना है, आपके सामने आईडी दिख गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आईडी आपको दिख रही है, आपको क्या करना है, अगर यहाँ से क्लिक करेंगे और आपका सवाल होगा कि क्या यहाँ पर आईडी दिख रही है और यहाँ पर इरेज ऑल डेटा कर देता हूँ तो क्या मेरे फ़ोन में FRP लॉक लग जाएगा, तो बिल्कुल नहीं दोस्त। अगर आप यहां से सेटिंग में जाकर अपने फ़ोन को रीसेट करते हैं तो आपके फ़ोन में लॉक जो कि FRP लॉक होता है वो लॉक लगेगा नहीं, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, इरेज ऑल डेटा पे क्लिक कर दूंगा और अब आपका फ़ोन एक बार बंद होगा, बंद होने के बाद ऑन होगा, इन्फिनिक्स का लोगो दिखाएगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पहले के इस बार आपके फ़ोन को ऑन होने में काफ़ी समय लगेगा, अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मिनट या फिर 5 मिनट भी लग सकता है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना कि आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपका फ़ोन हैंग ऑन लोगो पे रुक गया या फिर आपका फ़ोन इन्फिनिक्स के लोगो पे ही तो अटक नहीं गया। इरेजिंग लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको लोगो दिखा उसके बाद चला गया, इन्फिनिक्स लिखा हुआ आ रहा है। अब आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब आपको समझना है कि अब थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपके फ़ोन को फॉर्मेट होने में। तो दोस्तों, फॉर्मेट हो चुका है आपका फ़ोन, अब आपका फ़ोन सेटअप हो रहा है, उसके बाद
ये फ़ोन जब सेटअप होगा उसके बाद हम आगे इसका सेटअप करेंगे और इसमें देखेंगे कि इसमें FRP लॉक लगा भी है या नहीं। तो दोस्तों 101% गारंटी देता हूँ इस फ़ोन में FRP लॉक नहीं लगेगा, क्योंकि आपने सॉफ्ट रिसेट मारा है। जब हम अपने फ़ोन को हार्ड रिसेट मारते हैं, हार्ड रिसेट दैट मीन्स कि हम अपनी पावर बटन को दबाए रखते हैं, वॉल्यूम डाउन बटन को दबाए रखते हैं, जब आपका फ़ोन में ऑप्शन आता है क्वेश्चन मार्क आता है और आप उसमें उसके वाइप डेटा वाइप कैश करके आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री रिसेट करते हैं या फिर हार्ड रिसेट करते हैं, तब आपके फ़ोन में FRP लॉक लगने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे, मैं थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ या फिर इस वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड में चला दूंगा, क्योंकि अब आपके फ़ोन को ऑन होने में काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली ये फ़ोन खुल चुका है, अब हम देखेंगे कि इस फ़ोन में FRP लॉक लगता है या नहीं और इसको सेटअप कैसे करना है। ठीक है, सिंपली नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, स्किप बटन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ये स्किप का ऑप्शन आ चुका है। और अगर ये स्किप का ऑप्शन आपके में नहीं आता है, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि आपके फ़ोन में FRP लॉक लगा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से आपने फैक्ट्री रिसेट करना मैंने आपको बताया है, उस तरीके से आपके फ़ोन में लॉक नहीं लगेगा। ठीक है, सिंपली स्किप बटन पे हम क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक कर देंगे, यहाँ से इसको चेकबॉक्स को चेक करेंगे, एग्री, इसको टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे दोस्त। और अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मोर एक्सेप्ट, ठीक है, फिर से एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। आपसे बोला सेट स्क्रीन लॉक, क्या आपने फ़ोन में कोई लॉक लगाना चाहते हैं, सिंपली नहीं, स्किप पे क्लिक कर देना है, स्किप पे क्लिक कर देना है। यहाँ से बोल रहा है कि डेस्कटॉप स्टाइल, सिंपल वे में तो ये पूछ रहा है कि अपने फ़ोन में लॉन्चर कौन सा लगाना है आपको, सिंपली क्लासिक पे क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। लार्ज फोल्डर भी आप कर सकते हैं, सिंपली एरो पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे एक बार फिर से क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपने इन्फिनिक्स स्मार्ट 7, इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 प्लस या फिर इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 HD को फॉर्मेट कर सकते हो और इसी तरीके की जितने भी इन्फिनिक्स के फ़ोन है उसको इस तरीके से फैक्ट्री रिसेट कर सकते हो या फिर फॉर्मेट कर सकते हो। सिंपली सेटिंग में जाता हूँ और माई फ़ोन पे जाता हूँ, आपको मॉडल भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।